हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो गए इस टाइम पे। और आप लोगों की जो प्रेपरेशन है सर, वो कैसी चल रही है इस टाइम। सर बहुत टेंशन हो रहा है, अब तो एग्जाम्स आ गए हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है अब एग्जाम्स के लिए। सर ऑलमोस्ट 1 मंथ, सर ज़्यादा है सर टाइम, 1 मंथ नहीं है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 1 मंथ है, राइट। तो आप लोग 35 डेज मान लो, 40 डेज मान लो, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं है टाइम सर। ठीक, और ये जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड आपके पास 30 to 40 डेज का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है सर, जिसमें हमें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रेपरेशंस करनी है। तो सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस टाइम पीरियड का, हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इस टाइम पीरियड को। तो इस पीरियड में आपको करना क्या है, इस पीरियड में सबसे पहले तो आप लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ रखा है उसकी रिविजन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, उसको डे बाय डे स्टार्ट करते जाओ रिवीजन। और साथ में आप लोगों को क्या करना है सर, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप लोगों को यह पता चले कि सर हमारी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है, और एग्जाम से पहले हमें कौन से एरियाज पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये सर नीड ऑफ द आर है, जो आपको आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपकी अब इस रिवीजन में हेल्प करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं सर कॉस्टिंग एंड FM का 15-day चैलेंज टेस्ट सीरीज। जिन स्टूडेंट्स ने कॉस्टिंग पार्ट 1 15-day चैलेंज के लिए रजिस्टर किया था, जो कि 1 मार्च को स्टार्ट हुआ और 15 मार्च को वो खत्म होने जा रहा है सर, उन्होंने बहुत ही हाई स्पिरिट्स में इस चैलेंज को लिया है सर। रियली हैट्स ऑफ टू दो स्टूडेंट्स, हमारे पास रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट होकर आ रहे हैं मेल पे। तो सर थोड़ा सा इलेबोरेट करो कि इस चैलेंज में क्या होने वाला है, और हम लोग किस तरह से इसका पूरा के पूरा फायदा उठा सकते हैं कॉस्टिंग और FM की सीरीज के बारे में स्पेशली। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें आप लोग किसी और से नहीं लेकिन खुद से ही हर दिन कंपटीशन करोगे। सर खुद से कंपटीशन बिल्कुल, 15 डेज आप लोगों की रेगुलर ग्रिलिंग होने वाली है सर। कितने दिन, 15 दिन आप लोगों की रेगुलर ग्रिलिंग होगी कॉस्टिंग और FM की, जिसमें आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, जो आपको एग्जाम्स में अवॉइड करनी है, राइट। वो एग्जाम में हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है सर। वो कैसे करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, जब हमें गलती पता होगी कि हमारी कहां पर है तो हम उसके ऊपर वर्क ऑन कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये चैप्टर वाइज रहेगी आपकी टेस्ट सीरीज, जिसमें हर रोज आपको हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो टोटल 15 डेज में कितने क्वेश्चन हुए सर, 30 क्वेश्चन कॉस्टिंग के भी और FM के भी, राइट। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर एवरी डे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग किस दिन पे कौन सा चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है। सर थोड़ी प्रिपरेशन तो चाहिए ना अटेम्प्ट करने से पहले, थोड़ा सा रिवाइज तो करेंगे हम लोग चैप्टर को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमने पूरा अपना शेड्यूल जो है वो हमारी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर रखा है। ठीक है, वेबसाइट आपको पता है www.ksjteaching.org। इस वेबसाइट पे हमने पूरा के पूरा शेड्यूल कॉस्टिंग का भी और FM का भी 15 दिन का शेड्यूल जो है वो बनाकर अपलोड कर रखा है। वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से दिन हमने कौन सा चैप्टर जो है वो अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हम लोगों ने पहले थोड़ा सा रिविजन करना है। ठीक, अब इसके रिलेटेड कुछ लोगों का ऐसा सोचना भी हो सकता है कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो टाइम पास है सर, वो मजा नहीं है उसमें सर कुछ भी। तो सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो टाइम पास बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टाइम एट हैंड की एक सेट टाइम टेबल के साथ बेस्ट यूटिलाइजेशन है, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ। फायदा क्या सर चैप्टर वाइज टेस्ट का, और क्या फायदा सर बताओ थोड़ा सा। चैप्टर वाइज टेस्ट से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि कौन से चैप्टर्स हमारा जो है वो वीक पॉइंट है और हमें उनमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको आपकी माइन्यूट मिस्टेक्स पर चैप्टर लेवल पर पता चलेंगी। जैसे जैसे आप लोग उन मिस्टेक्स को सुधारते चले जाओगे, आपके अंदर हर इंडिविजुअल चैप्टर पर आपकी बेटर ग्रिप होने का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, गलती पता होगी सर तभी तो हम सुधारेंगे, बिना गलती जाने हम लोग उसको कैसे सुधार सकते हैं। अगर चैप्टर वाइज हमें गलतियां पता चलेंगी तभी तो हम उस चैप्टर के ऊपर अपनी ग्रिप बना पाएंगे। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा अपनी मिस्टेक्स पर आप लोग काम करते जाओगे, उसके बाद ये 15 दिन के बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे, फुल फ्लेज मॉक टेस्ट दोगे, तो देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां जाएगा सर, राइट। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का और क्वेश्चन आता है सर इवैल्यूएशन किस तरह से होगी, इवैल्यूएशन किस तरह से होगी। सर देखो चेकिंग जो है वो एज पर ICAI क्राइटेरिया होगी। सर क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बनाकर डाल दोगे या हमें सिर्फ एक आंसर की प्रोवाइड कर दोगे, सर कैसे होगा। नहीं सर, सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कर देना या वीडियो बनाकर डाल देना कि सेल्फ चेकिंग कर लो, सर वो टेस्ट का एक्चुअल मीनिंग नहीं है, राइट। फिर वो टेस्ट टेस्ट ना रहा।
तो आपकी चेकिंग किस तरह से होगी सर? आपका हर एक टेस्ट पर्सनली चेक किया जाएगा विद प्रॉपर रिमार्क्स। किस चीज के ऊपर? आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर रिमार्क्स हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर रिमार्क्स हो सकते हैं कि सर आपने क्वेश्चन में क्या चीज मिस की, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने कहां पर गलती की है, कहां पर आप लोग अभी लैक कर रहे हो, किसमें आप लोगों को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी जो फर्स्ट पार्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग टेस्ट सीरीज का, जो पहले 15 दिन चला मार्च के, फर्स्ट से 15 मार्च को भी खत्म होने जा रहा है, उसमें जो मेरे पास टेस्ट आए उनकी इवैल्यूएशन जो मैं आपकी कॉपीज हैं वो मैं आपको थोड़ा सैंपल दिखा देता हूं। ये लो सर सैंपल देख लो इन कॉपीज का कि किस तरह से इवैल्यूएशन की जा रही है। सर हर चीज के ऊपर आपको कमेंट्स दिए जा रहे हैं कि अगर आपने गलती की है तो क्या की है, उसको सुधारना कैसे है, उसको किस तरह से ध्यान रखना है। सर उसमें लिखा कौन सा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, कहां पर आप लोग गलती कर रहे हो, क्या आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, हर चीज के ऊपर आप लोगों को कमेंट्स दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को पूरी क्लैरिटी हो कि सर हमें क्या चीज करनी है। सिर्फ अगर मैंने आंसर्स दे दिए, आप लोगों को आंसर की दे दी या एक वीडियो बनाकर डाल दी तो आप लोगों को ये चीजें कभी भी नहीं पता चलेंगी। ठीक, तो आपकी प्रेजेंटेशन को लेकर, आपके क्वेश्चन एनालिसिस को लेकर, आपकी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को लेकर जो है हम लोग आपको बताएंगे। तो सर इसके लिए करना क्या होगा, हम लोग आंसर्स किस तरह भेजने होंगे? सर आपको कुछ नहीं करना, जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो आपको सॉल्यूशंस हमें ईमेल करने हैं। द सॉल्यूशंस टू बी सेंट थ्रू ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है? ksjteaching@gmail.com। आपको क्या करना है सर, आपको एक नोटबुक पे या एक पेपर पे आपको अपने सॉल्यूशंस लिखने हैं, उनकी पिक लेनी है। सर अब तो कैम स्कैनर है सबके पास, हमारे पास स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, उसमें एक ऐप आती है कैम स्कैनर की, उसमें स्कैन करो, उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाओ और उसकी पीडीएफ फाइल हमें वो सेंड कर दो आप लोग ईमेल आईडी पे, और विद इन 48 आवर्स हम लोग आपको इवैल्यूएशन करके वापस देंगे विद रिमार्क्स कि आपको कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। राइट, तो आपको ये जो टेस्ट है बिल्कुल सिंसियरली अटेम्प्ट करना है विदाउट रेफरिंग टू एनी मटेरियल। कोई मटेरियल नहीं देखना कि सर ये क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन मैं ढूंढूं पहले किसी मटेरियल में, किसी बुक में तो मुझे मिल जाए ये क्वेश्चन, ऐसा काम नहीं करना है। इसको सिंसियरिटी के साथ करो क्योंकि अभी की गलती सर कोई मैटर नहीं करेगी, लेकिन अभी की गलती आपको एग्जाम्स में बचा जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी सिंसियरिटी के साथ नहीं किया तो एग्जाम्स में वो गलती आप दोबारा कमिट करोगे ही करोगे। अभी गलती बचा लोगे, एग्जाम में आपके पास कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं होगा, वहां पर गलती के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है जी, तो इन जो भी मैंने बोला अगर उसको समराइज करना हो तो मैं आपको एक समरी बना देता हूं। सर ये देखो, ये रही आपकी स्टेयर्स टू सक्सेस। अगर इन स्टेयर्स को आप लोगों ने क्लाइंब कर लिया, सबसे पहले अगर आप लोगों ने टेस्ट लिया उसके बाद चेकिंग के लिए मुझे भेजना है टेस्ट। ठीक है, अगर चेकिंग के लिए नहीं भेजोगे तो आपको गलती नहीं पता चलेगी। गेट इट चेक्ड, नो योर मिस्टेक्स, नो द टिप्स टू इंप्रूव जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, रिपीट दिस प्रोसीजर, मास्टर द सब्जेक्ट एंड स्कोर एग्जामिनेशन इन कॉस्टिंग एंड एफएम। सो दिस 15 डे चैलेंज कैन हेल्प यू इन स्कोरिंग द एग्जामिनेशन इन कॉस्टिंग एंड एफएम। राइट, ठीक है गाइज, इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को एक बार समराइज भी कर दिया। तो सर ये कब स्टार्ट कब हो रहा है जो हमारा कॉस्टिंग का ये चैलेंज है, कॉस्टिंग एंड एफएम दोनों का चैलेंज है, ये सर स्टार्ट हो रहा है 16th of March 2020 को, बोथ फॉर कॉस्टिंग एंड एफएम। जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो 15th ऑफ मार्च 2020 को क्लोज हो जाएंगी, रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशंस चलेंगी। ठीक है, और 16 से जो है आपको पहला टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अब तो जो लोग भी इस चैलेंज के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज www.ksjteaching.org पर। वहां पर होम पेज पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से रजिस्टर करना है। राइट, तो वहां पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बाय पेइंग अ नॉमिनल फी ऑफ 250 रुपीज। सर ये 250 रुपीज पर सब्जेक्ट है, फॉर ईच सब्जेक्ट, 250 फॉर कॉस्टिंग एंड 250 फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अगर दोनों करना चाहता है कोई तो 500 फॉर बोथ कॉस्टिंग एंड एफएम इन टोटल। राइट, सो रजिस्ट्रेशंस जो है वो क्लोज हो जाएंगी 15th ऑफ मार्च को। सर उसके बाद अगर आप मुझे मेल करोगे कि सर रजिस्टर करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 16th मॉर्निंग को हर हाल में स्टार्ट हो जाएंगी। आपको डे वन का जो टेस्ट है, हर दिन मिलेगा आपको टेस्ट, तो डे वन का जो टेस्ट है वो 16th ऑफ मार्च को आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को एंड करें, इस चैलेंज से रिलेटेड एक मोटिवेशनल रिवॉर्ड और है आप लोगों के लिए। सर वो क्या कि जो भी स्टूडेंट्स
इंटेस्ट सीरीज का पार्ट होंगे, इस 15 डे चैलेंज का पार्ट होंगे, और अगर वो मई 2020 अटेम्प्ट में एग्जम्पशन स्कोर करते हैं कॉस्टिंग एफएम में, तो उनकी जो भी टेस्ट सीरीज की फी है 250 रुपीज की, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, राइट। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल रिवॉर्ड है इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। सो गाइज गेट रेडी फॉर दिस 15 डे कॉस्टिंग एंड एफएम अल्टीमेट चैलेंज एंड रजिस्टर बिफोर द एंड डेट। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।